बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तदाए रब जलील के बाबरकत नाम से दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रश्मत एम फिल फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रिमिया खान। फिजिक्स जोन की तरफ से चैप्टर नंबर 20 और उसका चैप्टर लेक्चर नंबर है 6 FSC फिजिक्स सेकेंड ईयर। बेसिकली इससे पहला जो लेक्चर 5 एक्सरेज के मुतालिक है। हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर के साथ दो लेक्चर बनेंगे एक्सरे पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो आज एक्सरे हमने पहले सीखी, इनर्शियल ट्रांजिशन सीखी और फिर करेक्टरिस्टिक एक्सरे सीखी। तो एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती हैं, उसका मैकेनिज्म, मशीन वर्क, अपरेटस वो हम जान चुके हैं। इसे अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। वो जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसका स्पेक्ट्रम बनता है। हम स्पेक्ट्रम के हवाले से पहले जान चुके हैं। तो बेसिकली कोई भी स्पेक्ट्रम आप लेते हैं तो वो उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो बैंड ऑफ कलर्स कह लें, क्योंकि एक्सरेज इनविजिबल हैं, कलर्स का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम बैंड ऑफ वेवलेंथ्स कह सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ हैं जिनमें मामूली सा डिफरेंस है। एक वेवलेंथ दूसरे से मामूली सा डिफरेंस रखती है। वो वेवलेंथ इतनी क्लोज हैं, उनकी वैल्यूज कह लें इतनी क्लोज हैं कि अगर उनको सबको मिला के हम ऑब्जर्व करें वो स्पेक्ट्रम जो ना बनता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दो लफ्ज़ हैं। डिस्क्रीट है इंडिविजुअल अलहदा अलहदा, बिल्कुल उसका फ़र्क वाजे हो, और कंटिन्यूस है ऐसे क्लोज क्लोज जिसको हम कह लें कि इसका फ़र्क ही ना पता चले। मैं फॉर एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर सपोज कर लें हमारी बॉडी है, हमें लगती है कि कंटिन्यूस है लेकिन एक्चुअली वो मॉलिक्यूल से बनी, एटम से बनी और फिर सेल से बनी, फिर टिश्यू से बनी, फिर ऑर्गन से बनी, फिर जाके ऑर्गेनिज्म बना। तो बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी बज़ाहिर कंटिन्यूस लगती है लेकिन बुनियादी तौर पर वो बनी हुई है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की, एटम की, इलेक्ट्रॉन की, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। तो यही जो हमें नज़र आ रहा है कि डिफरेंस है, तो बुनियादी तौर पे डिफरेंस इसलिए है कि उनकी वैल्यूज बहुत इतनी शॉर्ट हैं, करीब तर हैं कि हम उस डिफरेंस को वाजे नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कंटिन्यूस। एक्सरेस जो इमिट होती हैं हम ये जान चुके हैं, एज एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो एलिमेंट लेते हैं वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन से चूंकि मैटर की नेचर कंटिन्यूस है उस लिहाज से हम कह सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो लिहाजा स्टेप बाय स्टेप अगर हम ऑब्जर्व करें, पहले स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, द बैंड ऑफ वेवलेंथ्स फॉर्म्ड बाय एक्सरे फोटॉन्स इज कॉल्ड एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये इतनी वैरायटी है, आप लोग यहां पे तशरीफ रखें तो हर एक की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, सेपरेट सेपरेट लोग। तो एक स्पेक्ट्रम है इस क्लास का, सेकंड क्लास का इंडिविजुअल वेवलेंथ आप तो फर्ज कर सकते हो कि ये वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ है, सब डिफरेंट वेवलेंथ है। तो ये भी एक किस्म का स्पेक्ट्रम है। तो ये हम इनको महसूस कर सकते हैं, अलहदा अलहदा जान सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगा। जब इनका पहचानना मुमकिन हो जाएगा, सेपरेट करना मुमकिन नहीं होगा, फिर उसको हम कह देंगे कंटिन्यूस। हमारे पास बोर्ड भी इस तरह वो कंटिन्यूस में। तो ऐसा स्पेक्ट्रम द एक्सरे स्पेक्ट्रम इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज द वेवलेंथ्स ऑफ एक्सरेज आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट दीज कैन नॉट बी ईजली डिफ्रेंशिएटेड। एक वेवलेंथ को दूसरे वेवलेंथ से फर्क महसूस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा ऐसा होता क्यों, वजह क्या है, उसकी वजह हमें पता होनी चाहिए। इसका जो वजह है उसको नाम दिया गया, इट इज ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रेम स्ट्रॉलिंग या फिर इसका दूसरा नाम दिया गया ब्रेकिंग रेडिएशन। क्योंकि इस लाइन में हमने सिर्फ ये वाजे किया है कि इफेक्ट किस वजह से, उसको क्या नाम दिया जाए। तो हमें ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द ब्रेकिंग रेडिएशन और ब्रेम स्ट्रॉलिंग इफेक्ट।
तो ब्रैम स्टार्लिंग इफेक्ट क्या है, उसका नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ में उसकी वजाहत दी हुई है। चूंकि हमने देखा कि एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए एक फिलामेंट है, फिर वो कैथोड है, फिलामेंट कैथोड को हीट करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और दूसरी तरफ टारगेट है, टारगेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को खींचता है, एक्सलेट करता है, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, डिपेंड करता है पोटेंशियल कितना है। तो वो पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ से आ रहे हैं और आगे टारगेट से अचानक आके टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजल्ट करता है ब्रैम स्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन में। यानी कोई चीज़ आप अगर आप समझ लें कि एक बॉल है, बड़ी फास्ट आके उसको अचानक रोकें तो वो चोटी लगाएगा, वहां पे तोड़ फोड़ होगी, इस तरह का स्पेक्ट्रम ही डिवेलप होना है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डेड द टारगेट, दीज आर सडनली स्लो डाउन ऑन इम्पैक्ट विद द टारगेट। जब वो टारगेट पे टकराते हैं, इम्पैक्ट मीन्स टकराना, मिलना, तो फिर क्या होता है, ऐसा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत थ्योरी से पहले पेश किया गया था, वो अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में वो कंसेप्ट अभी भी चलता है। एक मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है। हम कैसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिक्र हमने चैप्टर 16 में पढ़ा। तो बेसिकली चार्ज अगर मूव करे तो वो करंट बनता है, हमने ये तो जरूर पढ़ाया कि चैप्टर नंबर 14 में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्योंकि चार्ज जो मूव कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, कंटिन्यू से इतने हमें रेज नजर आती, तो जब ये मूव करता है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो उसका जो चार्ज वो वेरिंग हो, एक्सेलरेशन हो, तो फिर उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग होगी। अगर वेरिंग होगी तो चैप्टर 15 का कंसेप्ट है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही हो तो फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो इस तरह अगर ये मुसलसल सिलसिला चल रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिलसिला चलता जाएगा और ये बन जाएगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मूविंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज, मूविंग नहीं जस्ट मूविंग, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी हो सकता है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज उस पर फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पहले का कंसेप्ट है, एज द एक्सेलरेटिंग चार्ज इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज द इलेक्ट्रॉन्स आर डेक्लरेटेड। डेक्लरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन कम होना, वेलोसिटी कम होना, जब वो आके टारगेट से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, डेक्लरेटेड या जीरो हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी स्ट्रॉन्गली, बहुत ज्यादा वेलोसिटी रोक दी जाए बाय टारगेट, एंड द रेट ऑफ डेक्लरेशन इज लार्ज, यानी बड़ा तेजी से बहुत ज्यादा वेलोसिटी और अचानक कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डेक्लरेशन इज लार्ज। अगर लार्ज है तो फिर जो उससे रेडिएशन इमिट हो रही है, सो द एमिटेड रेडिएशन करस्पॉन्ड टू शॉर्ट वेवलेंथ, और ये एक्सरेज डिवेलप होंगी जिनको हम एक्सरेज कहते हैं, एंड द ब्रॉम स्टॉलिंग इज इन एक्सरे रीजन। यानी इससे पहले भी हम कुछ रीजन पढ़ चुके हैं, मसलन अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, ये ब्रैम स्टॉलिंग उस रीजन में नहीं है। ब्रैम स्टॉलिंग इफेक्ट का नाम है कि जब शॉर्ट वेवलेंथ था और शॉर्ट वेवलेंथ की सर्टेन रेंज है। अच्छा, इसका जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बेसिकली इसका इस तरह का ग्राफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो ग्राफ बनाया गया था, दो पैरामीटर वाजे थे, एक उसमें वेवलेंथ, दूसरी इंटेंसिटी। वेवलेंथ हमने लिया अलोंग एक्स एक्सिस और इंटेंसिटी अलोंग ली वाई एक्सिस। तीसरा पैरामीटर जो टेम्परेचर का था, यहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट शामिल नहीं है। तो लिहाजा ये वेवलेंथ जो इससे प्रोड्यूस हो रही है वो शॉर्ट वेवलेंथ है माइक्रो में, और ये वैल्यूज उसकी शो की गई 0.0 से लेकर आगे 0.04, एक इंटरवल 0.08, 0.02, और उसकी जो इंटेंसिटी वेरी कर रही है, तो इंटेंसिटी के लिहाज से शॉर्ट वेवलेंथ थी,
वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो इनिशियली उसकी इंटेंसिटी भी शॉर्ट, फिर आस्ता आस्ता हमने देखा कि जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ती जा रही है, फिर अचानक एक उसमें जर्क आया, नीचे आया, फिर उससे फिर अचानक ऊपर बढ़ गया, फिर नीचे कम हो गई सर्टेन वेवलेंथ में और फिर इससे ऊपर बढ़ गए, फिर सर्टेन वेवलेंथ पे आके उसकी इंटेंसिटी जीरो हो गई। ये इस रेंज में ये इसका ग्राफ बनता है, ये ग्राफ इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ के इक्विवेलेंट। तो इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं कि इतनी वेवलेंथ क्लोज क्लोज हैं। यहाँ पे तो हमने जब वेवलेंथ शो की वो भी शॉर्ट हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी शॉर्ट। बुनियादी तौर पे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन बन किस तरह एक्स रेस से। हम ड्यूअल नेचर से देख चुके हैं कि रेस भी फोटॉन पार्टिकल, एक्स रेस को हम फोटॉन भी कहते हैं, तो इंडिविजुअल वेव्स है। तो इस तरह का क्यों बन रहा है, फिर अगेन इसका आंसर यही है, ब्रह्म स्ट्रॉलिंग इफेक्ट। तो ये ग्राफ इस तरह क्यों बन रहा है, अचानक बढ़ गया। एक्चुअली जब वहां पे रेडिएशन मिट हो रही है, इसका थोड़ा सा मैं आपको अगर वाजे कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, वो आगे टारगेट है, वो टंगस्टन है या कोई और मेटल है। तो इस तरह है कि मेटल में जाते किसी एटम से डायरेक्टली नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन तक, इलेक्ट्रॉन को जो कोलाइड कर रहा है, सपोज करो ऐसी एक लंबी सारी लाइन है इलेक्ट्रॉन की, एक इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, वो हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली हिट करे या फिर उन स्पेसेस में से आगे गुजर जाए, और जो डायरेक्ट हिट कर रहा है तो उसके भी वेज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है हेड ऑन कुलियन हो या फिर टू डायमेंशन कुलियन हो जाए। अगर हेड ऑन कुलियन होगी तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और अगर पार्ट किनारे से गुजर गया तो मामूली सी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और किसी को वो एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं वो इनर शेल के लिए काफ़ी हो, आउटर किसी शेल के लिए काफ़ी हो, उसको एक्साइट करने के लिए काफ़ी हो, तो फिर उससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वापस जब आएगा डी एक्साइटेशन में आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि के शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उसको टोटल एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन की, और के शेल में एक इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी मिली, वो इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में चला गया और जो टकराने वाला इलेक्ट्रॉन वो किसी और तरफ चला गया। अब जो स्पेस पैदा हुई के शेल में और वो इलेक्ट्रॉन जो चला गया किसी चौथे पांचवें ऑर्बिट में, तो वहां पे सबसे पहले जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन वो नीचे जंप करेगा, उसका एनर्जी डिफरेंस कम है, उस तरह की एक वेवलेंथ जनरेट होगी। अब एल शेल में होल पैदा हुआ तो फिर एम शेल में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, और इस तरह मुख्तलिफ कंटिन्यूस वो जो डी एक्साइटेशन हो रही है तो उससे मुख्तलिफ एनर्जी लिमिट हो रही है, और एनर्जी क्लोज क्लोज है, तो इसलिए इस तरह के कंटिन्यूस इस रेंज में ये इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब है नंबर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बशर्ते के एरिया उसके परपेंडिकुलर रखो, वाट पर मीटर स्केयर इसके यूनिट हैं। तो इस एनर्जी के, इस रेंज के, इस वेवलेंथ के जो ना काफ़ी ज़्यादा फोटॉन होते हैं वो एक्सरेज के, तो नेचुरली वो इस तरह मैच करता है, के शेल से एक ओ में चला गया, वहाँ से जब किया उस तरह के फोटॉन होंगे, फिर के शेल से एन में चला गया, वहाँ से जम किया उस तरह के काफ़ी सारे फोटॉन होंगे, और काफ़ी सारे फोटॉन होंगे तो उनकी इंटेंसिटी उस जगह पर ज़्यादा होगी। जरा इस तरफ आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लूज ऑल देयर काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कुलियन, तो फिर क्या होगा, द एंटायर एनर्जी अपीयर्स एज एक्स रे फोटॉन एनर्जी एच एफ मैक्सिमम, जब टोटल एनर्जी दे देगा तो एच एफ मैक्सिमम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो ये काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में। तो अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एंटायर एनर्जी एंड मे सफर नंबर ऑफ कुलियंस, या इससे पहले कि वो रेस्ट में आ जाए अपने कुलियन करते रहेंगे, एनर्जी कम होती जाएगी, होती होती एक वक्त में रेस्ट में आ जाएंगे, हो सकता है उसका हिस्सा बन जाए या उससे बाहर निकल जाए। दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गर वेवलेंथ, तो जैसे वेवलेंथ लॉन्गर है तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी स्मॉलर है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी स्मॉलर होगी तो एनर्जी भी इसकी स्मॉलर होगी। हम देखते हैं ये एक्सरे स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, ये आर्टिकल दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर तक आ सकता है एक्सरे स्पेक्ट्रम में। अब नेक्स्ट है एक्सरेस, हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन ये कंसेप्ट जो दिया गया डिलीवर करने की कोशिश की गई वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है
वो एक्सरे प्रॉपर्टीज क्या हैं? जब शुरू में बनाई पैदा की गई थी तो उनके जहन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी कि ये ऐसा करेगा, या फिर बाद में उनको देखा गया? उन एक्सरेज प्रोड्यूस उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज से उनको गुजारा गया, तो गुजारने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज वाजे हुई। आपकी बुक में प्रॉपर्टीज और यूजेस इकट्ठे दिए गए, मैंने कोशिश की अलहदा से पॉइंट बनाए गए। आप चाहो तो इनको कंटिन्यूस लिख सकते हो, पॉइंट अरेज कर दो, कंटिन्यूस चलते जाओ। पॉइंट्स याद करना आसान है। तो इस तरह हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज की क्या है कि एक्सरेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड ना करें। हम ये जानते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज में अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन। अल्फा पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बीटा नेगेटिवली चार्ज होता है, गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। जब हम अल्फा को इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारते हैं तो फिर वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, बीटा गुजारते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, गैमा गुजारते हैं गैमा किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि गैमा जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेम टू दिस, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे तो उसका रेस्ट मास जीरो होगा, यानी रेस्ट में उसका कोई मास नहीं। अगर वो है तो मोशन में है, जब वो रुक गई तो गायब होगी, वो एनर्जी खत्म हो गई। तो दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड, ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जिस तरह की लाइट होती है, वेव्स होती हैं, रिफ्लेक्ट भी होती हैं, रिफ्रैक्ट भी होती हैं, डिफ्रैक्ट भी होती हैं, इंटरफेयर भी होती हैं, बिल्कुल जिस तरह के नॉर्मल वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वैसे होती हैं। ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इनको इन तमाम फिनोमेना से गुजारा गया। एक्सरेज कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर्स इन सॉलिड्स। पेनिट्रेशन एक खूबी है। जब हम रेडिएशन किसी बॉडी पे इंसिडेंट करते हैं तो कितनी देर तक, कितनी जगह तक आगे मुंतकिल हो गई, वो उसकी पेनिट्रेशन पावर है। तो एक्सरे बड़ी एनर्जेटिक वेवलेंथ, एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, शॉर्ट वेवलेंथ लार्ज एनर्जी, तो इसलिए सेवरल सेंटीमीटर सॉलिड में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। हमारी बॉडी बेसिकली मिक्सचर है, सॉलिड भी इसमें है, फ्लूइड भी उसमें है, गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं और इंटरमीडिएट मटेरियल भी है। तो हम सॉलिड देखते हैं जिस तरह के आयरन मटेरियल, ये वुड है या बोर्ड है, ये भी उसका सॉलिड है। तो सॉलिड में पेनिट्रेट सबसे आसान पेनिट्रेशन होती है गैसेस में, फिर उससे कम पेनिट्रेशन होती है लिक्विड्स में, और उससे और भी कम पेनिट्रेशन होती है सॉलिड्स में। हमारी नॉर्मल लाइट सॉलिड में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, बल्ब से जो इमिट होने वाली लाइट वो बल्ब उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरेज की ये खूबी है कि सॉलिड में पेनिट्रेट कर जाते हैं और कुछ इवन उसमें से पास भी हो जाते हैं। तो सॉलिड्स लाइट, जिस तरह लाइट एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे फ्लैश का लाजमी हिस्सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हमारे फ्लैश में ब्लड में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन लाइट एलिमेंट में से आसानी से पास हो जाना। और हैवी एलिमेंट्स जिस तरह कैल्शियम है, हमारी हड्डियों का लाजमी हिस्सा है, वो हैवी एलिमेंट है। इस तरह पोटाशियम है, सोडियम है, इवन आयरन भी हमारी बॉडी में मौजूद है। तकरीबन तमाम एलिमेंट 120 एलिमेंट हमारी बॉडी में मौजूद हैं। उसके भी आगे किस्में, मेजर एलिमेंट्स हैं, माइनर एलिमेंट्स हैं, ट्रेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं कि अगर ये रेस किसी फोटोग्राफिक फिल्म से गुजारी जाए तो उसको डैमेज करते हैं, वहाँ पे उसका अक्स छोड़ते हैं। हमारे कैमरे यूज होते थे पिछले ज़माने में, रीलें यूज होती थी, फोटोग्राफिक रील जो होती थी, तो उससे हमारी इमेज उससे लाइट की वजह से डैमेज होती थी, इसलिए वहाँ पे इमेज आ जाता। फोटोग्राफिक फिल्म पे ये इफेक्ट अपने असरात छोड़ते हैं। एक्सरेज कैन पास थ्रू फ्लैश। फ्लैश किस पे मुश्तमिल है? लाइट एलिमेंट्स, मसलन कार्बन ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये मेन एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स हैं हमारे फ्लैश के। बट स्टॉप्ड बाय हैवी एलिमेंट्स, हैवी मेटल, मसलन कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम, ये भी बॉडी में मौजूद होते हैं। वैसे भी इस पर आप अगर अप्लाई किए जिसमें रेज पास हो जाए उसका शेडो नहीं बनता, और जिसमें ब्लॉक हो जाए उसका शेडो बनता है। और यही प्रॉपर्टी है एक्सरे जो हम कराते हैं, तो बोन में से गुजर नहीं सकते, उसका शेडो बनेगा। फ्लैश में से रेडिएशन गुजर जाते हैं, उसका शेडो नहीं बनता।
और इस तरह हम बजाहिर जो हड्डियां देख नहीं सकते तो इन हड्डियों कैल्शियम की वजह से या सोडियम की वजह से हम देख पाते। एक्सरे कैन नॉट बी डिटेक्टेड डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि इन पे चार्ज भी नहीं होता, दे कैरी नो चार्ज। ये चंद एक प्रॉपर्टीज, वैसे इसके अलावा भी और भी इसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जस्ट आपके कोर्स के हद तक मैंने कोई मजीद इजाफा नहीं किया, जस्ट वो जो उसमें लिखा हुआ था उसमें से कुछ चीज़ें शामिल की। नेक्स्ट, सब कुछ मेहनत कराने का इसका फ़ायदा क्या, क्यों हम यूज़ क्यों करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके यूज़ है, जो जो प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मुताबिक उसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मेडिसन में इसका यूज़ आजकल वाइडली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेडिसन में। मेडिसन आप कह लें कि क्लिनिकल लेबॉरेटरी यहाँ पे दो तरीके से यूज़ होता है, एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर, आप आज हम चले जाएं तो अगर हड्डी फ्रैक्चर होगी डायरेक्टली हमें नज़र नहीं आ रही तो फिर हम क्या कहते हैं इसका एक्सरे करवाएं, क्योंकि हड्डी का फ्रैक्चर एक्सरे से पता चल सकता है, डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता। टूथ डिके, टूथ के अंदर अगर दांत टूट गए उसका भी एक डेंटल सर्जन जो ना वो अपने पास एक्सरे मशीन रखता है। चेस्ट में ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी हम एक्सरे यूज करते हैं। एक्सरे हैज लार्ज पेनिट्रेशन, ये इसकी पावर है, एंड आर यूज्ड टू विजुलाइज द इंटीरियर्स मटीरियल्स ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट। ओपेक का मतलब है एक होते हैं शफाफ एक होते हैं गैर शफाफ, ओपेक जिसमें से रोशनी ना पास हो और इस रोशनी से हम ना देख सकें तो फिर इससे एक्सरे से देखते हैं, तो इंटीरियर पार्ट को देखने का मौका मिलता है बजाय इसके कि हम हड्डी को चीर फाड़ करके उसको सिजीरियन करें और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे हम डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके ऑर्डिनरी लाइट सच एज फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूथ, चेस्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन डायग्नोस्टिक टूल एज डायग्नोस्टिक टूल एंड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। मेडिसन में ये इसका इस्तेमाल है, ये शॉर्टकट में बताया। अब जरा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में क्या इसका इस्तेमाल है, स्टील मिल में जो स्टील के टीयर गार्डर या कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनमें बाय चांस बबल रह जाते हैं या उसमें बेंड रह जाता है तो फिर वो उसकी स्ट्रक्चर के लिए या उसके लॉन्ग लाइफ के लिए नुकसान हो सकता है, तो फिर क्या करते हैं, स्टील गर्डर टीयर एक तरफ से निकल रहा है वो स्टेट मूव कर रहा है, एक तरफ आप लगा देंगे एक्सरे सोर्स जहाँ से रेडिएशन निकल रही है, दूसरी तरफ एक डिटेक्टर लगा देंगे तो जहाँ पे बबल होगा, जहाँ पे कोई बेंट होगा, जहाँ पे कोई वैक्यूम होगा वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा पास होंगे और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ये मसला है, अदरवाइज सारी गुजार देंगे। एक तो इंडस्ट्री में इसका ये यूज़ है। क्रैक्स, बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं उनमें क्रैक्स आ गए वो हमें नज़र नहीं आता, बॉल बेयरिंग्स व्हील के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक अहम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो अलाउ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्स रेस, क्रैक इन द बॉल बेयरिंग्स कैन आल्सो बी विजुलाइज्ड। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल है। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, जो सीड है ना उस पर एक्सरेस अगर हम एक्सपोज करते हैं तो उस पर जो जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जर्म्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है इसको हम लास्ट हेडिंग में समझेंगे कि जर्म्स में कैसे वो एक्सरेस डिस्ट्रॉय करते हैं, तो लिहाजा एग्रीकल्चर में यूज्ड जर्मिसाइड ऑफ द सीड्स, जर्मिसाइड यानी जर्म को किल करना। अमूमन सीड्स के अंदर कुछ डिजीज़ रह जाती हैं, कुछ ऐसे जरासीम रह जाते हैं जो उनके लिए जब उनको बोया जाता है वो डिजीज़ लगती है फिर प्लांट के लिए फर्दर आगे के लिए और फिर या उसका फल सही बराबर नहीं मिल सकता। ये तो है चंद एक यूजेज इसके, एग्ज़ाम में यूजेज और प्रॉपर्टीज इकट्ठे दो नंबर तीन नंबर की आई हुई हैं तो हम उस प्रॉपर्टीज को देखते हुए यूजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर इससे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है कैट स्कैनर। कैट कोई बिल्ली नहीं है, स्कैन का मतलब है फोटो लेने वाली मशीन। स्कैनिंग आजकल ये हम मोबाइल से भी स्कैनिंग करते हैं, लैपटॉप से भी ऐसे स्कैनर इंडिविजुअल भी मिलते हैं, लेकिन ये है कैट स्कैनर। और कैट जो ना वो है कंप्यूटराइज्ड, इसका जो मुखफ्फफ एब्रीविएशन है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, टी से टोमोग्राफी और ए से एक्सियल और सी से कंप्यूटराइज्ड। तो बुनियादी तौर पे ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल भी हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं एज ए डायग्नोस्टिक टूल, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज ए डायग्नोस्टिक सिस्टम
वाइडली यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कह लें उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब एक्स इसका तरीकेकार क्या होगा, सोर्स हम देख चुके हैं एक्सरे प्रोडक्शन कैसे, क्योंकि ये हार्ड टिश्यूज के लिए बोन्स के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इसके अलावा ट्यूमर्स होते हैं, रसौलियाँ जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, नुकसानदेह रसौलियाँ होती हैं, कुछ वैसे बगैर नुकसान के बढ़ जाती हैं, दिमाग में बढ़ गई तो फिर दिमाग या फिर बॉडी के किसी हिस्से में और में रसौली आ गई तो उसको डायरेक्टली डायग्नोज करना मुमकिन नहीं है, वो बड़ी थिक होती हैं। तो ये बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बेसिकली हैं, एक्चुअली ये कैंसर की किस्म है, तो कैंसर उसको डिटेक्ट करना डायरेक्टली मुमकिन नहीं है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, कैट स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि ये आपको दिखाया गया यहाँ पे, सिर्फ एक स्कल का स्ट्रक्चर ड्रा किया जस्ट आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। एक स्कल है जो बोन का स्ट्रक्चर, उसमें फ्लैश आपको नज़र नहीं आएगा जब एक्सरे से गुजरेगा, एक तरफ से कोई टर्न टेबल है उस पर ये एक्सरे सोर्स अवेलेबल है जिसको हम घुमा सकते हैं एक प्लेन के अंदर, ऐसे उसको एक प्लेन के अंदर घुमा सकते हैं, और दरमियान में बॉडी या उसका नाम दिया गया सब्जेक्ट, जिस बॉडी का आपने एक्सरे करना है या सीटी स्कैन करना है। दूसरी तरफ अरे ऑफ डिटेक्टर्स हैं, छोटे छोटे डिटेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये डिटेक्टर जो ना आगे जुड़ा हुआ, फिर एक इमेज प्रोड्यूसर, कोई फोटोस्टेट मशीन कह लें, कोई स्केलर कह लें, कोई काउंटर कह लें, कोई इस तरह का, उसके साथ जुड़ा हुआ, इधर ये एक्सरे सोर्स के साथ और इधर ये स्केलर के साथ, दरमियान में ये बॉडी है। तो तरीकाकार क्या होता है कि एक तरफ से बीम, फैन शेप्ड बीम पैदा की जाती, फैन का मतलब पंखी वाली, वो पंखा जो हाथ से हम चलाते हैं ना, तो इस तरह की पंखी, चाइनीज पंखी जो है, उस तरह बीम जो है फैलती जाए और हॉरिजॉन्टल लेवल में प्लेन में फैलती जाए, फैन शेप बीम प्रोड्यूस की, और दूसरी तरफ डिटेक्टर्स मौजूद हैं। तो क्या होता है, जहां पे ये कैंसरस सेल होंगे, ट्यूमर होगी, एबनॉर्मलिटीज होगी, वहां से रेडिएशन मुकम्मल पास नहीं हो पाएंगी। वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो एक्स रेस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स रेस एनर्जी है, तो उन सेल जो होते हैं ना कैंसरस सेल बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उन एक्सरे से लेते हैं, वो जब थिक भी होते हैं तो इधर से रेडिएशन जब जाएंगी वो पास नहीं हो पाएंगे बल्कि उसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जब अब्जॉर्ब होगी तो इधर जो इमेज मिलेगी उसकी इमेज की जो डेंसिटी होगी वो हमें चेंज हो जाएगी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ, तो उस एरिया में उस लेंथ में रेडिएशन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जब रेडिएशन की डेंसिटी कम है तो उसकी इधर ज़्यादा, जैसे कि ये मैंने दिखाया, मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ, तो ये हर डिटेक्टर से जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको स्कैनर की तरफ जा रही है, स्कैनर उसको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं और इस इमेज को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक इमेज जो ना उसका, उस बॉडी का आ जाएगा और हमें डेंसिटी से पता चल जाएगा यहाँ पर रेडिएशन कोई ऐसी बॉडी मौजूद है। अब सपोज कर लें यहाँ से रेडिएशन नहीं हुई, हो सकता है कि इधर हो वो ट्यूमर हो, इधर हो, इधर हो, फिर उसको क्रॉस सेक्शनल घुमाया जाता है, क्रॉस सेक्शनल का मतलब है एरिया के साथ ऐसे घुमो, गोल में यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ताकि इधर इधर से आपको एग्जैक्टली उसकी लोकेशन का पता चल जाए। तो फिर इसकी फर्दर ट्रीटमेंट भी उसके साथ है, हम इसको रीड कर लेते हैं। एक्सरे सोर्स प्रोड्यूसेस ए थिन फैन शेप बीम That passes through the subject. Subject से मुराद है वो बॉडी, वो शख्स, वो जिस पे वो रसौली है। And detected by the array of detectors. ये thin fan shaped beam पैदा की और इसमें से गुजारी और दूसरी तरफ उसको डिटेक्ट की जा रही। Each detectors measure the absorption of X-rays along the thin line, जो लाइन है उसके अलांग वो मयर कर रहा है through the subject. The entire apparatus is rotated around the subject in a plane of beam in few seconds. बड़ी तेजी से घुमाया जाता है ये काम जो ना, within few seconds करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है, वजह हम आपको आगे बताते हैं, biological effectiveness of the x-rays. तो x-rays कभी हमें वास्ता पड़े तो हम देखते हैं कि bone fracture होगी तो उसने just एक झटके लगाना है, x-rays open करनी फिर बंद कर देनी,
क्योंकि मुसलसल एक्सरे एक्सपोजर भी नुकसान दे, वो आगे हम देखेंगे। तो जस्ट फ्यू सेकंड की वजाहत कर रहा हूँ कि क्यों फ्यू सेकंड में। द चेंजिंग रिएक्शंस ऑफ द डिटेक्टर आर रिकॉर्डेड डिजिटली, डिजिट्स के जरिए, आज की दुनिया जो ना डिजिट्स की दुनिया, अ कंप्यूटर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंस डिफरेंट डेंसिटीज। डेंसिटी डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 1%, अगर उसमें डेंसिटी के 1% भी डिफरेंस आ जाए तो उससे हमें पता चल सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, तो फिर उससे हमें ये पता चल सकता है, उस इमेज हमें लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो ट्यूमर है। ट्यूमर्स इसको कहाँ पे इस्तेमाल करें, ट्यूमर्स एंड अदर एबनॉर्मलिटीज, जो छोटी छोटी हो जो नॉर्मल आई से हम ना देख सकें, उसके लिए हम कैट स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप सिंपल उससे भी नहीं, उससे हम कैट स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ हड्डियों के अंदर छुपी हुई है, मसलन चेस्ट के अंदर, दिल है, बाकी चीज़ें, तो उससे हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। जो सॉफ्ट चीज़ें हैं जिस तरह पेट है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, मुख्तलिफ और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, वो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसके इमेज जना 2D में भी अवेलेबल हैं, तो मॉडर्न में 3D इमेज भी अवेलेबल हैं, कैट स्कैन, 3D कैट स्कैन। तो ये इमेज आपकी बुक में 2 डायग्राम दी हुई हैं, उसमें से हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में से। लास्ट एक्सरेज के हवाले से है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज का हमें बायोलॉजिकली क्या इफेक्ट है। तो बुनियादी तौर पे हमारी बॉडी जो ना बायोलॉजिकली किस पे मुश्तमिल है, हम जानते हैं सेल्स पर मुश्तमिल है। सेल्स जो ना वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, और कंस्ट्रक्शन का यूनिट भी है, और इसके अलावा फंक्शनल यूनिट भी है सेल। जब एक किस्म के बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो फिर वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सरेज काज डैमेज टू द लिविंग टिश्यूज, क्योंकि एनर्जेटिक जहाँ से गुजरे गई वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी वॉल को, उसके सेल्स को, उनको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि एक्सरेज फोटॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी। टिश्यूज बहुत बड़ी चीज़ है, सेल है, सेल के अंदर हम जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते हैं, तो सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक बहुत छोटे छोटे मटेरियल, इवन हम चले जाएंगे एटॉमिक लेवल पे, तो ये एक्सरेज भी ऐसे एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। आप सपोज कर लें कि बॉडी में अंदर है वाटर H2, हमारी बॉडी का बेशतर हिस्सा वाटर पर मुश्तमिल है, तो वाटर H2O फार्मूला है, तो बेसिकली वो मिले हुए हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सरेज आके टकराए तो जो मिले हुए इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएं तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। हाइड्रोजन का भी वो बन सकता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, और ये केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा, ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव, दोनों आयन बड़े रिएक्टिव हैं, ये रिएक्टिव हैं तो फिर किसी और बॉडी से मिलेंगे वो स्ट्रक्चर बदल देंगे। यानी बेसिकली सेल स्ट्रक्चर, एक्सरे जैसे पड़ती है अपनी एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो बॉन्ड टूटा, वो मटेरियल जो पहले था वाटर था अब वो रेडिकल बन गया, आयनिक मटेरियल बन गया। आयनिक मटेरियल बहुत रिएक्टिव होता है, तो इसमें भी ऐसे है, एक्सरे काज डैमेज टू द लिविंग टिश्यूज, वो क्यों काज करते हैं, क्योंकि बॉन्ड तोड़ता है। एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड इन टिश्यूज एंड ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, बॉन्ड तोड़ दिया, एंड क्रिएट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। रेडिकल्स आयंस ये हम जानते हैं, पहले पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव, ये क्या करता है, वो डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हमारी बॉडी प्रोटॉन प्रोटीन्स की बनी हुई है, और इवन हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है जिसमें हम जानते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं, वो जेनेटिक मटेरियल है, उनकी भी स्ट्रक्चर बदल जाती है। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलने से, अगर सपोज करो कि किसी को एक्सरे कराया जा रहा है या एक्सरे को एक्सपोज किया जा रहा है, तो हो सकता है उसको बज़ाहिर फ़र्क ना पड़े, उसको हमें लगे कि एक्सरे साई नहीं, नज़र ही नहीं आती, कुछ हो ही नहीं रहा, उसको हो सकता है ना फ़र्क पड़े, तो किसको फ़र्क पड़ेगा, जो हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं उस पर फ़र्क पड़ जाए, उनका स्ट्रक्चर बदल जाए। स्ट्रक्चर बदलने से क्या हो के जो आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जो हमारे वो जीन्स मुंतकिल होंगे नई जनरेशन में, वो डैमेज हों,
तो फिर उससे क्या होगा कि वो डैमेज से स्ट्रक्चर ही बदल गया, तो फिर वो अपांज हो सकते हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी की कान नहीं है, किसी का बाजू शार्ट फट है या कहीं पे और निशान है। तो एक्सरे का इफेक्ट एक डायरेक्ट होता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, उसको कैंसर हो सकता है, ज़्यादा एक्सपोजर करते नहीं, अगर कम है तो हो सकता है कि वो डैमेज करें हमारे जेनेटिक मटेरियल को और स्ट्रक्चर बदल दें और आने वाली नस्ल को उसका नुकसान हो जाए, आने वाली नस्ल जो ना वो को अपाहज हो जाए। ये दो इफेक्ट्स हैं, डिलेड इफेक्ट कहते हैं और एक डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें किन पे ज़्यादा असर होता है, जो यंग जनरेशन है, यंग जो बच्चे हैं उनके सेल्स बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज़ होता है, उनकी दिल की धड़कन बड़ी तेज़ होगी, ब्लड प्रेशर भी उस लिहाज से, तो उन पे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो हम समझते हैं कि एक्स रेज बिला वजह नहीं करानी चाहिए जब तक हमें मेडिकल फिजिस्ट वो इसको सजेस्ट नहीं करता कि अब एक्स रेज ज़रूरी है। तो हर बंदा एक्स रेज नहीं कर सकता, एक्स रे के लिए टेक्नीशियन होते हैं या फिर मेडिकल फिजिस्ट होते हैं, जो फिजिक्स वाले लोग होते हैं जो इसको एक्स रेज करते हैं, वो पहले अच्छे तरीके से डिटेक्ट करते हैं किस रीजन में हमें एक्सरे लेना है और कितनी देर तक रीजन लेना है और कितना टाइम चाहिए। तो फिर उसका ये होता है कि हम एक्सपोज करते हैं, मजबूरी होगी, बोन फ्रैक्चर है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर हमें एक्सरे कराना चाहिए। टूथ फ्रैक्चर है तो उसके लिए हमें एक्सरे कराना चाहिए। इस तरह चेस्ट है, जब तक डॉक्टर मेडिकल फिजिस्ट सजेस्ट ना करें तो हमें एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बजाय इसके फ़ायदे के हमें उल्टा नुकसान हो सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सरे को हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट और किल द कैंसर सेल्स, क्योंकि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो एनर्जी से वो काफ़ी सारे एक्सरेज लोकलाइज्ड एरिया में हमें पता चल जाए यहाँ पे वो कैंसरस सेल्स हैं, तो वहाँ पे हम एक्सपोज करें, वो भी कैलकुलेशन होती है बाकायदा, तो उससे वो कैंसर सेल्स मर जाते हैं। और बाज़ औक़ात हमने ऑब्जर्व किया कि लोगों का कैंसर था, उसने एक्सरे एक्सपोज कराया, फौरी तौर पर पता चल गया कि वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वो उसमें वही कैंसर दोबारा उजागर हो गया। उजागर होने का मतलब ये, या तो वो सेल रह जाते हैं जिससे वो दोबारा फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई नॉर्मल एरिया जो ना उसको डैमेज कर जाते हैं, जो कैंसर सेल वो तो अब्जॉर्ब कर गया नॉर्मल एरिया कैंसर से, वो दोबारा एक्सरेज वहाँ पे पड़ी तो उससे वो डैमेज हो गई, तो उससे फिर कैंसर फैल गया। तो इसलिए नतीजा ये है कि एक्सरेज जब तक हमें कोई ऑथेंटिक नहीं बताता तो उस तक हम एक्सरे यूज ना करें। एक्सरेज कैन कॉज कैंसर। अच्छा, एक्सेसिव एक्सरेज एक्सपोजर कैन कॉज चेंजेस इन द दैट इफेक्ट्स द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑफस्प्रिंग से मुराद है नस्ल, औलाद। तो उस औलाद में से हमें बाजार तो लगे कि हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, एक्सरे हो गया, फिर क्या हो गया, नहीं, वो उसके अगली नस्ल में उसका मुंतकिल हो सकता है। हम अगर ऑब्जर्व करें नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम ड्रॉप किए गए, उनमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एक्सरे नहीं थी, लेकिन वो कुछ रेस इस तरह की थी, तो वो चार्ज्ड रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो बाजार उस वक्त बहुत सारे लोग मुतासर हुए, और इवन आज भी वहाँ पे उन जगहों पर लोग अपाहज पैदा हो रहे जापान में। तो इसलिए एक्सरे का प्रॉपर नॉलेज होना ये हमारे लिए पेपर के लिए भी आर्टिकल बहुत अहम है, ऑब्जेक्टिव के लिए अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है, और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। आप इसको समझ लें, तैयार कर लें और ये नॉलेज अपने पास रखें, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। आज का लेक्चर एग्जाम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।